उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच जिले के नए पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने आज पुलिस लाइन में सभा कक्ष में पहले होली की शुभकामनाएं दी और अपने बारे में बताते हुए कहा कि 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी हूं और बिहार की रहने वाली हूं। वहीं पत्रकारों की संख्या देख एसपी ने कहा कि हमें जो सूची दी गई है उसमें कम लोग हैं। खैर कोई बात नहीं कि आप लोग अपना परिचय दे कि कौन किस संस्था से है। वहीं जब पत्रकारों ने एसपी से खट्टी मीठी बातें की तो एसपी का जवाब था कि पिछली बातें छोड़िए, आगे मिलकर काम करती हैं। वहीं पत्रकारों को पहली बार त्योहार के अवसर पर बुलाने के बाद भी वे समय नहीं दे सकी, बल्कि तेज तर्रार का परिचय देते हुए माइक सीओ सिटी की तरफ करते हुए यह कहकर उठ पड़ी कि आप लोग नाश्ता करिए, मैं चलती हूँ। जाते जाते उन्होंने कहा कि आप चौथे स्तंभ हैं, आपका और हमारा काम लगभग एक जैसा है। आप समाज की अच्छी बुरी खबरों को उजागर करते हो और हमारा काम है उनको खत्म करना। वहीं नई पुलिस कप्तान ने सभी पत्रकारों को एक सा सम्मान दिया। आज आप पहला दिन भी आपका रहा, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे जनता को? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि होली का त्यौहार है, रंगों का उत्सव है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी है और आचार संहिता भी लागू है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमको सेलिब्रेट भी करना है और अपने आप को भी सुरक्षित करना है। पुलिस की तैयारियाँ पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं। बिल्कुल शबे बारात का भी पर्व दोनों एक ही दिन हो रहा है तक, तो हमारी जनता से यही अपील है कि इसको खुशनुमा तरीके से मनाएं, किसी भी कानून का उल्लंघन ना करें। शाम के समय महिलाएं बच्चे सब निकलते हैं, उनके लिए हमारी जो टीम है वो लगातार ऑन रोड रहेगी, लगातार डायल 100 की गाड़ियाँ हर जगह पर पुलिस विजिबली दिखेगी, ये हमारी पूरी कोशिश है। और जनता से ये अपील है कि इसको खूब अच्छे से मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।